पंचायत चुनाव में आरक्षण का आधार वर्ष साल 2015 रहेगा। आधार वर्ष साल 2015 और 2015 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण नीति जारी। सभी पदों के लिए आधार वर्ष बेस ईयर साल 2015 ही होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। पंचायत चुनाव में लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए बीजेपी ने कई अभियान चला रखे हैं और इसी कड़ी में गाजीपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बीजेपी का मिशन देश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना है, जबकि सपा और बसपा वंशवाद की राजनीति करते हैं और सत्ता में आने के बाद सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाने का काम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य को लूटने के लिए सपा और बसपा सत्ता में आना चाहती है। आप राजनीति करते हैं तो गरीब की सेवा के लिए, ईमानदारी के लिए राजनीति करते हैं, ये नहीं कि वंशवाद के लिए राजनीति करते। तो सपा बसपा का कोई माने रखता है क्या? सपा बसपा शासन में आते हैं तो कुल दो ही काम उनका है, एक परिवार को बढ़ाना, दूसरा राज्य को लूटना, तीसरा कोई काम नहीं। आजमगढ़ से आकर चुनाव लड़ते हैं, कम से कम आजमगढ़ के एक यादव खड़ा हो जाता अपने पैरों पर, लेकिन कन्नौज से आपका आकर आजमगढ़ लड़ेंगे न। यादव कार्यकर्ता को बढ़ाना चाहते हैं सपा में, कोई प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है ना कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ये सब वंशवाद की पार्टियां हैं, इसलिए सभी लोग मोह अब हट रहे हैं, लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर आज का दिन खासा अहम है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त आज बड़ी बैठक करने वाले हैं। चुनावों को लेकर यह अहम बैठक है। सभी जिलों के जिलाधिकारी और एसपी के साथ बैठक करने वाले हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ये बहुत बड़ी बैठक और हो सकता है कि तारीखों का ऐलान भी आज हो जाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये बैठक करने वाले हैं, जिलाधिकारी एसपी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक के बाद ये कहा जाता है कि हो सकता है कि तारीखों का ऐलान हो जाए। और इस खबर पर विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए लखनऊ से। विवेक, बैठक का एजेंडा? जी राजीव, देखिए बैठक आज होनी है और वर्चुअल बैठक होनी है। सभी 75 जिलों के डीएम और एसपी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, अपने अपने बात रखेंगे वहाँ पे। पंचायत चुनाव जो चूंकि अभी हाल ही में आरक्षण प्रक्रिया को हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है और ये कहा है कि 2015 पे जो मानक है, जो 2015 में आरक्षण हुआ था उसी आधार पर आरक्षण लागू किया जाएगा। उसके बाद से ये माना जा रहा था कि बहुत जल्द पंचायत चुनाव की तारीख घोषित हो जाएगी। हो सकता है कि आज की बैठक के बाद ये तारीख घोषित हो जाए। आज की बैठक का जो एजेंडा है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो लॉ एंड ऑर्डर रहेगा पंचायत चुनाव। आपको बता दें राजीव कि पंचायत चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो ग्रामीण क्षेत्रों से शुरू होता है और इसमें कोई पार्टी का सिंबल नहीं होता है, पार्टी बैकअप सपोर्ट देती है प्रत्याशियों को। तो यहाँ प्रत्याशियों का अपना जो प्रभाव होता है और अपना बाहुबल होता है उसी के आधार पर चुनाव होते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो ग्रामीण और कस्बाई इलाके हैं वहाँ पर होती है, वहाँ पर पंचायत चुनाव को लेकर तमाम रंजिशें जो हैं, छोटे छोटे विवाद, गांव-गांव के विवाद, आपसी खेत खलियान के और तमाम छोटे विवाद उभर के आते हैं, उसको लेकर झगड़े होते हैं, खूनी रंजिशें तमाम सामने आती हैं, हत्याएँ होती हैं। कई ऐसे संवेदनशील इलाके चिन्हित किए गए हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं जो सांप्रदायिक दृष्टि से भी संवेदनशील हैं। आज की बैठक में सबसे ज़्यादा जोर इसी बात को लेकर रहेगा कि कौन सी ऐसी व्यवस्था की जाए कि ये जो झंझट होते हैं, छोटे छोटे झंझट, छोटे झगड़े, छोटी हिंसा, इसको रोका जा सके, जिससे चुनाव मिलाकर सभी जिलों के डीएम और एसपी जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे और पंचायत चुनाव के मद्देनजर जो है वो जरूरी निर्देश उनको दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे।